नमस्कार, मैं हूं अनामिका राज। महागठबंधन ने होटल मौर्य में 17 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि वो मेरे अनुभव पर सवाल उठाते रहे हैं, पर शायद वह यह बात भूल गए हैं कि अगर मैं अनुभवी नेता नहीं होता तो उन्होंने मुझे उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। और बात रही विकास की, तो उनसे यह काम पिछले 15 सालों में संभव नहीं हो पाया, तो अब हार कर कह रहे हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए कल कारखाने नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, वह रोजगार, गरीबी, भुखमरी और पलायन जैसे मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते। 15 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल किससे किया जाए। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि आज से नवरात्र की शुरुआत है, इसलिए हम बदलाव का संकल्प ले रहे हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजवाला ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिन्ना की मजार पर भाजपा अध्यक्ष माथा टेके और सवाल हमसे पूछा जाए, दावत ले मोदी जी और सवाल हमसे पूछा जाए। ये विवाद भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा है, इसमें सत्यता मात्र कुछ नहीं। आगे उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की पीठ पर नीतीश मोदी ने वार किया है, सर्जन के फेविकॉल से सटकर सरकार चलाई गई। यहाँ तीन तरह के गठबंधन हैं, पहला भाजपा लोजपा, दूसरा भाजपा ओवैसी और तीसरा भाजपा जदयू का। उनकी सरकार हरित क्रांति का भी अंत करना चाहती है। हमारी सरकार आएगी तो विधानसभा के पहले सत्र में ही तीनों कृषि कानून को खत्म करेगी। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें डी पीपल वॉइस। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।